हाँ नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। और आज का जो सेशन हमने चूज किया है वो आईपी एड्रेस के लिए चूज किया है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे टेलीफोन नंबर होते हैं उनको किस तरह से पूरे दुनिया में बांटा गया है। उसके टेलीफोन नंबर को अगर आपने देखा होगा और आपको याद होगा तो उस टेलीफोन नंबर में हमने अपने ही टेलीफोन नंबर के बारे में आपके सामने स्पेसिफिकेशन किया था। इसको एक बार मैं रिपीट कर दूंगा जल्दी से। हमारे पास जो टेलीफोन नंबर थे उसमें एक नंबर आपके स्क्रीन पे लिखा था और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये नंबर जो भी नंबर हो, लैंडलाइन हो या मोबाइल हो, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, उसको हर बार दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट जिसे हम लोग फिक्स पार्ट बोलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरा पार्ट होता है कस्टमर का सीरियल नंबर यानी हॉट पार्ट। फिक्स पार्ट उस पर्टिकुलर एरिया में, उस टेलीफोन में फिक्स होता है, ठीक है। और जो कस्टमर वाला पार्ट है उसका वेरिएबल होता है, जिसमें हम दो नंबरों को आपने मैंने कहा माइंड करके रखना है, पहला नंबर और लास्ट नंबर। जो पहला नंबर अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा जो पहला नंबर होगा वो 000 होगा और लास्ट में जो नंबर होगा जो 999 होगा। पहले नंबर जो फिक्स है एक उस एक्सचेंज कस्टमर को नहीं दिया जाता है, इसको हम लोग एक्सचेंज आईडी के रूप में जानते हैं। अगर आपने आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आपसे इस नेटवर्क आईडी के बारे में पूछा जाता है। तो अगेन आई रिपीट कि आईपी एड्रेस इज नथिंग, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। तो जो आईपी एड्रेस है वो टेलीफोन नंबर का ही मॉडिफिकेशन है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले उसमें टेलीफोन एक्सचेंज आईडी बोलते, उसमें नेटवर्क आईडी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हम उस एक्सचेंज का आइडेंटिफिकेशन के रूप में लिया जाता है। दूसरा हमारे पास में ब्रॉडकास्ट आईडी है, जो हमारे कस्टमर का लास्ट टेलीफोन नंबर होता है, वह उस एक्सचेंज में इसके इस नंबर से हम कोई जनरल मैसेज सभी जगह पास करते हैं। यानी पहला और लास्ट टेलीफोन नंबर हम किसी को नहीं देते, केवल जो 20 के जो बचते हैं वही नंबर देते हैं। यानी टोटल जो भी संख्या होगी उसमें -2 किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, नाउ इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये हमने इसका एक ये पीपीटी भी मैं आपको शेयर करूंगा जो बाद में आपको मिल जाएगा। तो इसमें एक समराइज फॉर्म दिया गया, तो कस्टमर को 1 से लेके 99 नंबर देते हैं, 1000 टोटल बनता है, -2 करते हैं 998 हो जाता है। पहले को हम लोग नेटवर्क आईडी यानी पुराने जमाने में एक्सचेंज आईडी और आज के डेट में नेटवर्क आईडी बोलते हैं, लास्ट प्रोडक्ट। तो ये माइंड में आपको सेटअप हो गया होगा। अब हम आज की बात करते हैं आईपी एड्रेस। तो एक बड़ी ध्यान से बहुत सीधी बातों में बताऊंगा, आईपी एड्रेस बेसिकली 2005 से पहले हम बात कर रहे हैं, ईयर 2005 से पहले केवल मार्केट में एक शब्द सुनाई दे रहा था, आईपी एड्रेस, ओनली आईपी एड्रेस। और ये जो आईपी एड्रेस था जो हमारे पास में, जो पुराना आईपी एड्रेस है, ये हमारा 32 बिट्स का था, 32 बिट्स का था। इस आईपी की 32 बिट होने की वजह से जो भी अरेंजमेंट किया गया था, इसकी जो संख्या थी, एक तरह की नंबर ऑफ डिजिट जो इस केस में अगर बात करें तो लिमिटेड हो गया, लिमिटेड यानी एंड फिक्स हो गया। ये हमारे पुराने जमाने में बात करते हैं, ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। यानी आज जैसा कि हम लोगों अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके आधार पर हम बात करें तो आज हम घर के एक एक चीज को, एक एक बल्ब को, एक एक ट्यूबलाइट को, एक एक साउंड सिस्टम को, इवन इंसानों को भी आईपी एड्रेस दिया जाना की बात कही जा रही है। तो ये संख्या तो नथिंग नथिंग, इससे संभव नहीं हो सकता था जो हमारे पास आईपी एड्रेस था। तो फिर समय बदला तो लोगों ने कहा भाई इस आईपी से तो बात नहीं चलने वाली, अब आपको कुछ न कुछ नए आईपी एड्रेस का इन्विटेशन करना पड़ेगा, द न्यू आईपी एड्रेस, ओके। द न्यू आईपी एड्रेस जो इन्होंने इन्वॉल्व किया, ठीक है, ये हमारा 128 बिट का था, 128 बिट का था, ठीक है ना। और इसका परमुटेशन, कम्बिनेशन, बहुत सारे नए तरीका, क्योंकि ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें की। तो जो नंबर आप इसमें, जो अगर हम संख्या करें नंबर आप आईपी इसमें कितना, अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि इसमें जो नंबर आप आईपी है वो लिमिटलेस कर दिया गया है, एक तरह का लिमिटलेस। हालांकि इसमें भी लिमिट होगा लेकिन इसकी व्यवस्था इस तरह से किया गया, परमुटेशन कम्बिनेशन, क्योंकि ये बना था और ये 2005 के बाद हम इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिए, ठीक है। तो जो 2005 से पहले के जो आईपी एड्रेस था उसको हम लोगों ने IPv4 के नाम से नामलेचर कर दिया ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, IPv4 बोलने लगे। और 2005 के बाद जो जिस नई आईपी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा आईपी
V6 के नाम से मार्केट में जाना जाने लगा। ठीक है, आज भी पूरी दुनिया का इंटरनेट, आज भी पूरी कम्युनिकेशन IPv4 पे ही चलता है। अगर कोई आपसे पूछे इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड IP क्या है, किस IP एड्रेस पे इंटरनेट चल रहा है आज की दुनिया में, नया वाला या पुराना वाला, डेफिनेटली पुराने वाले पे ही चल रहा है। लेकिन लोग सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नया आ गया, नया आ गया, नया आ गया, पुराने पे नहीं। माइग्रेशन का काम चल रहा है वो अलग मैटर है, और दिसंबर 2025 तक का टारगेट रखा गया है कि हम पूरा का पूरा जो IPv4 का माइग्रेशन हो IPv6 पे लाएं, और IPv6 को मेन IP के रूप में इस्तेमाल किया जाए। यह काम अंडर प्रोग्रेस में चल रहा है। और फार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, IPv6 का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर LTTC गाजियाबाद है, जहां मैं बैठा हूं, जहां मुझे कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं उस लोकेशन में बैठा हूं जहां पे हम इस नए IP एड्रेस का माइग्रेशन और डेवलपमेंट और ट्रेनिंग देते हैं। ये पूरे एशिया में आप गूगल में डालिए, आपको हमारा ही सेंटर मिलेगा। उसके बाद और भी बहुत सारे सेंटर खुले हैं, लेकिन द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस LTTC गाजियाबाद। ठीक है, और हम बात करेंगे इस पर। IIT कानपुर के लोग रिसर्चर हैं, और यहाँ का फैकल्टी और यहाँ का लैब जो है वो उसका डेवलपर और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो IP एड्रेस का डिफरेंस पहले आपको समझ में आया कि पुराना IP एड्रेस IPv4, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनेट IP एड्रेस कह रहे हैं, पूरी दुनिया में आज हम जितने भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो सब IPv4 को यूज कर रहे हैं। IPv6 दिखाया जरूर जाता है, लेकिन वो पीछे न कहीं जाके IPv4 पर होता है। वो भी आपको समझ में आएगा कैसे किया गया है। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक जुगाड़ कंट्री है, हर चीज जुगाड़ व्यवस्था से की जाती है। दूसरा, 2005 के बाद जो नया माइग्रेशन का काम चल रहा है IPv6 का 120। अब हम बात करते हैं इन IPv4 को, पहले जो IPv4 के लिए लागू वही IPv6 के लिए लागू, समझने के लिए हम IPv4 के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। ये हमारा जो है 32 बिट्स का होता है। ठीक है, तो आप में से कोई कन्म्यूट हो सकता है तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मेरे हमेशा क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जिसके लिए कोई आपको किताब खोलने की जरूरत हो, आप आसानी से उसको बता सकते हैं। कौन अनम्यूट होना चाहेगा? यस कोमल, पॉसिबल है? फाल्गुना, यस। तो फाल्गुना, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके क्लास में, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि आपके आवाज में, हाँ यस सर। अब सवाल सभी के लिए है, लेकिन फाल्गुना आप आंसर दे रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल ये है, एक क्लास में 32 स्टूडेंट है, ठीक है, और मेरे पास चार इम्पॉर्टेंट काम है। मैं क्लासरूम में आता हूं आपके, और मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास चार काम है, आप सब लोग इस काम को कल शाम तक पूरा करके मुझे दे दीजिए। एक मैंने जनरल अनाउंसमेंट किया, बच्चों को सुनाई देगा भी चार काम लेकर आए और कल शाम तक देने के लिए बात कही है। ठीक है, साथ में अगर आपको ये बात पता चल जाए कि ये जो काम है, इस काम के करने ना करने से आपके सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला, आप करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, तो क्या लगता है, क्या एक संभावना है कि ये काम हो जाएगा, यस या नो? सर हो जाएगा। सर होने की संभावना ज्यादा है या ना होने की संभावना ज्यादा है? सर होने का ज्यादा है। होने का ज्यादा है, कैसे? सर क्योंकि है ही चार काम, और लोग भी 32 है, वो आठ आठ आपस में बांट के नहीं, वो तो ऐसे कौन बांटेगा, वही तो पूछना, कौन बांटेगा? देखिए क्या होता है टीचर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए बहुत सिंपल सी बात करो, आपके आप ही के बातों को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए होता क्या है कि जैसे क्लास में 32 स्टूडेंट है, ठीक है, मैंने आया और अनाउंसमेंट कर दिया, तो क्लास में हर तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लगन से काम करते हैं, वो करना चाहेंगे कि सर ने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इससे क्या, छोड़ो यार इस काम को क्या करना, ठीक है, तो इसमें मिला जुला स्वरूप होगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि करने वाला हो सकता है करने की कोशिश करे, उसकी मदद से काम पूरा भी हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उस काम को नहीं करने की कोशिश करेंगे, तो जो काम आपका 2 घंटे 3 घंटे में जल्दी होने वाले, उस काम की संभावना कि कल शाम तक ना हो पाए, हो सकता है अगला दिन जाए, एक उसमें गुंजाइश है, ना होने की गुंजाइश है, ठीक है ना। लेकिन जैसा अभी आपने कहा, मैं इसी काम को करवाना ही करवाना है, बिना प्रेशर के साथ, मन से, खुशी मन से करवाना है, तो मैं आप ही की बात को रिपीट कर देता हूँ, मैं उसी क्लास में आऊंगा, मैं कहूँगा भाई 32 स्टूडेंट हैं, आपने कहा ना चार चार आठ आठ का ग्रुप बना दो, ठीक है, मैं चार ग्रुप बना देता हूँ, ये आठ का एक ग्रुप हो गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और डी,
ग्रुप ए को बोला भाई तुम्हारा काम ही है, ग्रुप बी को बोला है तुम्हारा काम है, ग्रुप सी को बोला ये, सबको मैंने अलग अलग काम बता दिया। ठीक है, काम बताने के बाद मैंने कहा कि जो भी ग्रुप सबसे पहले काम करके दिखा देगा, ठीक है, उस ग्रुप को अगले एक महीने की छुट्टी और आने वाले जो वाइवा है उसमें पूरे नंबर दिए जाएंगे। ग्रुप जो सेकंड पोजीशन पे होगा उसको 20 नंबर कम मिलेंगे, थर्ड पोजीशन पे होगा उसको 40 नंबर कम मिलेंगे, और लास्ट पोजीशन पे होगा उसको आपको 50 नंबर कम मिलेंगे। तो अब मैं इस तरह का कंडीशन अगर लगा दूं, मैं प्रेशर नहीं बना रहा, मैं कह रहा हूं जैसा खेल कोई नहीं होगा, लेकिन मैं एक कंडीशन लगा दूंगा तो अब क्या संभावना लगेगी फाल्गुना। अब मेरी बात आप समझ गए ना, मैंने आपकी बात को थोड़ा, ठीक है, तो अब काम होने की गारंटी हो जाएगी और कंपटीशन भी हो जाएगा। हाँ सर, पहले वाले में गुंजाइश था कि ना हो, ठीक है ना, आपकी बात मान ली कि हो जाता है क्योंकि लोग करते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कि वो 24 घंटे में ना हो, थोड़ा और आगे लग जाए, ठीक है। लेकिन इस वाले में अब मैंने जो उसी सेम चीज को इसमें पक्का सब लोग करने की कोशिश करेंगे, ताकि पहले मैं आऊँ छुट्टी भी मिलेगा, नंबर भी मिलेगा, तो भाई डेफिनेटली हम करने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह से ये जो 32 बिट्स है, अगर मैं इसको बिना किसी प्लानिंग के साथ अगर मैं मार्केट में बांट देता, ठीक है, तो हमारे साथ क्या समस्या होती। पहली बात कि हम आम इंसान है, तो अगर 0000001000 अगर इस तरह से लिखना शुरू कर देना तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हालांकि मशीन के लिए है, लेकिन हुज हैंडल, हम और आप हैंडल कर रहे हैं, तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है। पहले हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, डेसिमल में लाएंगे, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग जॉब हो जाता है, ठीक है ना। अब इस चीज को सही इजी बनाने के लिए, ताकि किसी को परेशानी ना हो, तो भी, और सबसे पहली बात आईपी एड्रेस कहीं भी बनाओ, आईपी एड्रेस का जो बांटने वाला काम था, डेवलपमेंट वाला जो काम था, वो यूएस ने किया। यूएस ने कहा ऐसा करते हैं, इसको हम 8-8 ये जो आईपी एड्रेस जो 32 बिट का है, हम इसको 8-8 के ग्रुप बना देते हैं, जैसा कि हमने स्टूडेंट के केस में ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि इजिली बराबर ग्रुप में बन जाएगा। और 8 का ग्रुप बन जाए तो मैं अगर एक ग्रुप के बारे में बात करूं, तो इसकी सारी गिनती शुरू होगी, ऑल 8 बिट्स आर 0, ठीक है ना, और अगली भी शुरू होगी 1 होगा, फिर 10 होगा, तो लास्ट में सारी बिट्स 1 हो जाएंगी, ठीक है। ये तो रहा वास्तव में अगर 8 ग्रुप के हम बारे में बात करें, लेकिन जब हम इंसान हैं, हम लोग समझने के लिए इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो हम 0 को लिखेंगे 0, और इसका जो सोल्यूशन होगा 255 होगा, ठीक है। यानी जो भी हमने आईपी एड्रेस का जो ग्रुपिंग किया, अगर हम बात करें तो एक जो ब्लॉक है उसकी स्टार्टिंग होगी 0.0.0 और ये मैक्सिमम जाएगा 255.255.255 तक। अगेन आई रिपीट, आईपी एड्रेस को इंसान अपने सुविधाओं के लिए, ताकि उसे आसानी से लिख सके, समझ सके, उसने 4 भागों में बांटा, 8-8 के ग्रुप बनाया। और हम एक ग्रुप की अगर बात करें तो सारी गिनती 0 शुरू होगी और मैक्सिमम 288 तक 255 तक जाएगा। तो फिर आपके सामने सवाल ये उठता है, अगर मैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस, यहाँ पे मैं कुछ आंसर लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि ऑप्शन ए है ये 192.168.5.4 इस तरह से, ऑप्शन बी में मैं लिख देता हूँ 10.0.0.5 कर देता हूँ, ऑप्शन सी लिख देता हूँ, ठीक है ना, 0.0.0.1 कर देता हूँ, ऑप्शन डी लिख देता हूँ 255.255.256.1, ठीक है, ऑप्शन ई लिख, एक ऑप्शन और लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1.0.2. ठीक है ना, 254 ऐसे लिख देता हूँ। तो मैंने अभी जो बातें बोली उतनी बात सुनकर आप लोग चैट के माध्यम से भी और अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है। डी आपने, फाल्गुन आपने तो बता दिया, बाकी लोग प्लीज, विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल। और आपने क्यों भैया, मानसी ने बता दिया, सिस्टम बता दे, ओके ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने क्यों बोला, क्योंकि जो मैंने बोला एक जो ब्लॉक है वो 0 से लेकर 255 के बीच में वैल्यू वेरी करता है। अब उस हिसाब से सारे ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, लेकिन जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, सॉरी सॉरी, दिल्ली वाला जो ऑप्शन है डी वाला, इसका एक ऑप्शन 255 है, तो ये आईपी एड्रेस संभव ही नहीं है। तो पहली चीज तो एक क्लियर हो गई कि आईपी एड्रेस का जो प्रत्येक ब्लॉक है वो 0 से लेकर 255 के बीच में होता है। आईपी एड्रेस टेलीफोन नंबर का ही न्यू वर्जन है, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस।
तो इसमें भी वो सारे चीजें सेम होंगी जो कि टेलीफोन नंबर के हिसाब से। टेलीफोन नंबर में हम क्या करते थे, अगर हम कोई टेलीफोन नंबर अगर हम यहाँ पे लिखें, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं उसी नंबर को लिख लेता हूँ ताकि आपको माइंड में रहे, 9112027555, उसके बाद 164, ठीक है। सेम टेलीफोन नंबर अगर हम लिखें, ठीक है ना, तो इस टेलीफोन में अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको बताया गया ये टेलीफोन नंबर दो भागों में बटेगा, ठीक है। तो पहले इसी तरह मैं एक आईपी एड्रेस भी अगर यहाँ पे लिखूँ 192.168.5.4, क्योंकि आईपी वैलिड हो गया, मैं भी यहाँ पे एक आईपी एड्रेस मिल देता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली जैसे टेलीफोन नंबर के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये नो डाउट कि जो आईपी एड्रेस भी वो दो भागों में बटेगा, देयर आर टू पार्ट में डिवाइड होगा भी आईपी, ठीक है। एक पार्ट जिसमें एक फिक्स पार्ट है, दूसरा हमारा कस्टमर वाला पार्ट है यानी हॉस्ट पार्ट है। तो इसमें भी ये भी आईपी एड्रेस दो भागों में बटेगा, एक फिक्स पार्ट होगा, दूसरा मेरा कस्टमर वाले पार्ट में होगा, ठीक है ना। तो मैं इसमें थोड़ा और आगे बढ़ूँ, एक सवाल फिर से पूछना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, जैसे ये वाला चीज लिखता हूँ, सपोज करो मैंने 03 लिखा, 07 लिखा, ठीक है ना, कुछ मान लो 1980 लिखा, ठीक है ना, सपोज करो, या सपोज करो एक मैंने चीज लिखी, और मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने स्क्रीन पे 0.3.07 क्या चीज है, आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या चीज हो, क्या सवाल को नाम बताएं, नॉर्मल डेट, क्या क्या बोला आपने सर, डेट, डेट ऑफ बर्थ, क्या आप श्योर है कि मैंने जो लिखा हो डेट ऑफ बर्थ है, कुछ और नहीं हो सकता सर, मुझे पता नहीं है, पता नहीं, मतलब श्योर नहीं है, आपने एक अंदाजा लगाया क्योंकि आप ह्यूमन है, आपके पास सेंस है, आप अपने सेंस से एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यू आर नॉट श्योर, ठीक है। अगर मैं इसी के आगे अगर ये वर्ड लिख दूं, अब आपकी बात मान लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे अगर ये वर्ड लिख दूं उसके साथ में अगर ये लिखूं तो क्या अब आप श्योर हैं, हाँ सर, अब आप श्योर हो गए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ही लिखा है भाई, दिस इज अ कंप्लीट, ये भी एक एक इसको बोलते हैं डाटा, ये डाटा है, लेकिन जब तक इन दोनों डाटा को मिला ना दें तब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं बनती, ठीक है। और हम लोग कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन मैसेजिंग करते हैं जिसका मीनिंग निकले, मीनिंगलेस का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना, वो हम यूज भी नहीं करते, करोगे तो कोई फायदा भी नहीं। तो वैसे ये इंफॉर्मेशन डेट ऑफ बर्थ आप तब श्योर हुए जब मैंने लिख दिया, आपने एक अंदाजा लगाया ऐसा हो सकता, उसी तरह से जो ये आईपी एड्रेस लिखा है ये अधूरा इंफॉर्मेशन है। अगर मार्केट में जाएंगे आईपी एड्रेस खरीदेंगे तो केवल आपको ये खरीद के नहीं देगा, हमेशा आईपी एड्रेस के साथ यहाँ पे स्लैश कुछ ना कुछ लिखा होगा, /16 हो सकता है, /24 हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे /24 भी हो सकता है, इस तरह से लिखा होता है, ये भी चीज, ये भी संभव हो सकती है, ठीक है। या पुराने जमाने में जाएंगे ABCD भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, मैं ABCD के बारे में, लेकिन आज की डेट में अगर आप खरीदने जाएंगे तो नो डाउट कि अगर आपके पास में वो हो आईपी एड्रेस खरीदने जा रहे हैं तो डेफिनेटली जो आपका आईपी एड्रेस होगा इसके साथ स्लैश जरूर लिखा जाएगा, ठीक है ना, क्रेडिट के साथ में जरूर लिखा जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, /24 तब ये जाके आईपी एड्रेस कंप्लीट होगा। तो दूसरी पॉइंट भी आपके माइंड में आ गया, आईपी एड्रेस कभी भी 192.165.4 नहीं होगा, इसके साथ स्लैश सम जैसे 24, 13, 14, 15, 16 कुछ भी लिखा हो वो लिखा होगा, एंड अगर ये चीज नहीं लिखी है तो ABCD लिखा होगा, क्लास ABCD आप नाम सुनते ही होंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे 2 मिनट में, आपको कल समझ में आ जाएगा क्लास ABCD भी क्या, ठीक है। तो आप जो भी आईपी आज की डेट में खरीदेंगे वो इस फॉर्मेशन में मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज जब फिक्स, इसमें भी फिक्स और आपका वेरिएबल पार्ट होगा, तो वो कैसे पता चलेगा फिक्स और वेरिएबल पार्ट, यहाँ पे /24 लिखा उसकी मदद से, ये टोटल 32 बिट्स का होता है, अगेन आई रिपीट ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट जो यहाँ पे लिखा है वो फिक्स बिट होता है, दिस इज द फिक्स बिट, तब आप बता पाएंगे कितना फिक्स बिट है, बिल्कुल टेलीफोन लाइन की तरह से, यानी ये टोटल आपका 8-8 बिट के हो गए, तो 8, 16, 8 का 24 हो गया, और लास्ट का एक वो हो गया, तो 24 बिट इज अ फिक्स बिट हो गया, ठीक है ना, ओके। तो ये फिक्स कैसे पता चला, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो इसमें दूसरा सवाल जो आपका टेलीफोन था उसमें हमने
फर्स्ट टेलीफोन नंबर और लास्ट टेलीफोन नंबर की कल्पना की थी। पहला टेलीफोन नंबर हमने जैसे इसमें निकाला था तो आप सभी ने बोला कि फर्स्ट टेलीफोन नंबर है +91 120 27 55, ठीक है ना, 000। दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर आपने ऐसे निकाला। लास्ट टेलीफोन निकाला आपने और इसको हमने बोला ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है, उसी तरह से सॉरी नेटवर्क आईडी या एक्सचेंज आईडी, उसी तरह से ये जो आपका आईपी एड्रेस है इसकी नेटवर्क आईडी आपकी क्या होगी, ये सवाल पूछा जाता है। उसी तरह से पूछा जाता है ब्रॉडकास्ट आईडी कैसी। ऐसा करते हैं मैं पीपीटी की थोड़ी मदद ले लेता हूँ तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे आपके स्क्रीन पे एक मैं यहाँ पे लिख जाऊँ, थोड़ा सा लिख लूँ तो आपके यहाँ पे एक ये जो आईपी एड्रेस इस तरह से लिखा गया, डेफिनेटली सभी ब्लॉक की जो वैल्यू है 0 से लेकर 255 के बीच में है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो ये सही है। /24 लिखना अनिवार्य है, जिसका मतलब हमने आपको बता दिया। /24 का मतलब होता है फिक्स पार्ट, ये जो यहाँ लिखा हुआ, इसका दूसरा नाम भी है नेटवर्क बिट भी बोल देते हैं, जो कस्टमर का फिक्स पार्ट होता है, ठीक है। तो अब इसमें से जो सवाल निकालने होते हैं, सेम क्वेश्चन आपको इसमें उसी तरह से निकालना होता है, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है, तो वो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना, नहीं पहला और लास्ट आईपी निकालना, क्योंकि ये भी आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं बिल्कुल टेलीफोन नंबर की तरह ही बांटा गया है, यानी कि कुछ भी दे दो ऐसा नहीं होता, ये भी प्री प्लान्ड है, सबको बांटा गया है उसी तरह से बिल्कुल जैसे कि टेलीफोन नंबर बांटा गया। तो सबसे पहली बात कि ये जो हमारा है ये 8-8 का, इन्हें मैं ब्लॉकिंग में लिख दिया है मैंने, ठीक है ना, आपको ब्लॉक में लिख दिया, ठीक है, ये चारों ब्लॉक हमने अलग किया। और एज पर इंफॉर्मेशन ये आपका फिक्स बिट हो गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड से 24 बिट, ये भी आपका फिक्स बिट हो गया, जिसको हम नेटवर्क बिट नाम देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट अगेन 24 बिट होगा। यहाँ से यहाँ तक तो फिक्स हो गया। अब जैसे टेलीफोन नंबर अगर हमने लिखा था 91 120 27 55, वो आप बदल नहीं सकते, वैसे ये भी आप बदल नहीं सकते। जब लास्ट का बिट यहाँ से कुछ भी लिखा हो, वहां पे जो टेलीफोन नंबर में क्या था, हम क्या कुछ भी लिख रहे हो टेलीफोन में, ये चाहे फिक्स है, तो यहाँ पे जो भी है 000 से शुरू हो रहा था और 999 तक जा रहा था, ये था ना, ठीक है, यहाँ तक कुछ भी लिखा हो डजेंट मैटर। तो सेम मैनर में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी, यहाँ कुछ भी लिखा हो ऑल बिट्स आर जीरो, और इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये जो आपका पहला आईपी एड्रेस बनेगा 100, ये तो फिक्स पार्ट है डोंट, और /24 भी आपको लिखना पड़ेगा, तो दिस इज द नेटवर्क आईडी, ये आपका कहलाएगा नेटवर्क आईडी। इसी तरह से लास्ट आईडी 255 /24 कर देंगे, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, दैट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। तो पहला और लास्ट आईपी नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, ठीक है, दिस इज द लास्ट। तो ये जो आपका रेंज है, अब अगर मैं आप ये दोनों देना नहीं तो जो आपका आईपी रेंज बनेगा, आईपी कहाँ से शुरू होगा कहाँ से खत्म होगा, टेलीफोन जैसे कहाँ से शुरू हो रहा था, 1 से शुरू हो रहा था और यहाँ से 1 से शुरू हो रहा था और 998 तक जा रहा था, ठीक है ना, वैसे ही आईपी एड्रेस की अगर बात करें तो ये आपका 1 से शुरू होगा, ठीक है ना, और 254 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कस्टमर की संख्या आपकी 254 यहाँ दिखाई दे रही है, यानी ये आईपी एड्रेस जिस भी एरिया में रखा जाएगा उस एरिया में जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल जो भी इंटरनेट से जोड़ रहे हो उनकी संख्या 254 होगी, उससे ज़्यादा होगी। तो जैसे फाल्गुन आपने पूछा था कि अगर कस्टमर 1000 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, तो वैसे यहाँ मुझे दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, या तो आईपी का दूसरा पूल लेना पड़ेगा या जो /24 है उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से, ठीक है ना। तो पहली चीज़ अभी जो भी आईपी एड्रेस, कभी भी आईपी एड्रेस दिया जाता है, जैसे कि आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस लिखा है, अगर कोई आईपी एड्रेस ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना, तो इसमें आपका नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी रेंज, और ये सवाल 5 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस में अगर मैं इसे थोड़ा परिवर्तन कर दूँ, 10.10.10.64 /25 के जगह मैं /24 ही रख देता हूँ, अभी आप इसको भूल जाइए, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लिखा है 24 वाला ही लिख रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के लिए व्हाट इज द नेटवर्क आईडी क्या होगा, प्लीज राइट डाउन इन द चैट, एंड अनम्यूट करके बताना चाहें तो भी बता सकते हैं, आप चैट के माध्यम में बता सकते हैं व्हाट इज द नेटवर्क आईडी। यस, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो डेफिनेटली आप इसमें कहीं भी हिस्से जाएंगे नहीं, बड़ा आराम से बता पाएंगे। नेटवर्क आईडी /24 है तो डेफिनेटली पहला 8 बिट फिक्स हो गया, 10 हो जाएगा, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ,
दिस इज 10, दूसरा हमारे पास में 10, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, लास्ट में 64 या कुछ भी हो, ऑल बिट्स आर जीरो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 + 24, दिस इज द नेटवर्क आईडी। अगर मैं ब्रॉडकास्ट की बात में बात करूं, 10.10.10. ऑल बिट्स आर 1, दिस इज द 255 + 24, ठीक है ना। आईपी रेंज की बात करें तो आपका 10.10.10.1 से स्टार्ट होगा आपका 10.10.10. आपका 254 तक जाएगा, ठीक है। ये हमारी संख्या आपको आईपी ब्रॉडकास्ट हो गया, अब आईपी रेंज भी हो गया, रेंज भी हो गया, तो नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी रेंज, होपफुली कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। नंबर ऑफ हॉस्ट की बात करें तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में आपको नंबर ऑफ हॉस्ट निकालना है, तो टोटल जो कस्टमर है 24 बिट तो फिक्स हो गए, ठीक है ना, यानी कि दैट इज द नेटवर्क आईडी हो गया आपका, दिस इज नेटवर्क आईडी, ठीक है ना, नेटवर्क बिट कह सकते हो, नेटवर्क, दिस इज नेटवर्क बिट कह सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह से जो नेक्स्ट आपका बचा कस्टमर वाली बिट कितना बचा, कस्टमर बिट यानी हॉस्ट बिट जो होगा, क्योंकि टोटल 32 है तो -24 करेंगे, बिकॉज यू आर इंजीनियर, तो 8 हो गए, तो जो कस्टमर की संख्या होगी 2 की पावर आपकी जो होगी वो आपका 8 हो जाएगा, और पहला और लास्ट नहीं देना है तो -2 करेंगे तो आप देखेंगे 254 आ गया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा तो भी आप बता सकते हो, वरना निकालने का इंजीनियरिंग तरीका आपका यही होता है, ठीक है। तो ये शुरू के 4 क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से हमारे इस सेशन के, जो आज का जो सेशन है, उसको देख के आप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताओ, फल्गुना इट्स ओके, इसका दूसरा पार्ट हम कल देखेंगे, पहले कि यहाँ तक समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप कैसा भी सवाल दे दें आप आईपी एड्रेस निकाल सकते हो। मैं एक रफ आइडिया यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक आईपी एड्रेस आप लोग निकाल के दिखाइए। एक आईपी एड्रेस हमारे पास में है 117.15.16.5/16 है, एक हमने आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है ना, ठीक है, एक हमारे आईपी एड्रेस दे दिया। इसमें अगर हम बात करें व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी क्या होगा, ठीक है, तो आप लोग चैट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क आईडी क्या होगा, इसमें 16 है तो दैट मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड 16 बिट्स और फिक्स हो जाएंगे आपके, ठीक है ना, ये तो फिक्स हो जाएंगे आपके 16 बिट, ठीक है, और ये जो 16 बिट्स है फिक्स हो गए, ठीक है, तो इसलिए नेटवर्क आईडी 117 फिक्स हो गया, 15 फिक्स हो गया, बाकी रिमेनिंग ऑल बिट्स आर जीरो, दिस इज अगर 8 बिट भी करें तो इसका सॉल्यूशन होगा 0.0+16, दिस इज नेटवर्क बिट हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी, जो आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, ठीक है, आपका फिक्स जो फिक्स पार्ट है 16 बिट्स आर फिक्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ 1 हो जाएगा, रिमेनिंग बिट्स कन्वर्ट इन 1, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो दैट इज आपका 117 तो फिक्स हो गया प्लस 15 हो गया, लास्ट में 255.255 हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस 16 हो गया, ठीक है। अब इसमें रेंज की बात करें तो रेंज यानी आईपी पूल की बात करें तो 117.15.0.1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 117.15.255. से एक पहले तक चला जाएगा, रेंज हो जाएगा, और नंबर ऑफ आईपी निकालें या पूल निकालें या रेंज निकालें, ठीक है। इस केस में अगर हम बात करें तो टोटल जो संख्या आ जाएगी 2 की पावर जो आएगी आपकी, 2 की पावर टोटल हमारा 32 बिट है, 16 बिट फिक्स हो गया, इसमें से जो माइनस जो आएगा उसमें से हमें -2 करना है, वो हमारे पास नंबर ऑफ आईपी हो जाएगा। तो आज के सेशन में मैंने आईपी एड्रेस के बारे में जो बात किया, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ।
आईपी एड्रेस इज नथिंग, जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द टेलीफोन नंबर इन द बाइनरी फॉर्म, या यू कैन से द बाइनरी फॉर्म ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। इसका कंपेरिजन सिमिलर है, क्योंकि जो टेलीफोन नंबर का स्पेसिफिकेशन किया गया है वही आईपी एड्रेस का भी स्पेसिफिकेशन किया गया। टेलीफोन नंबर में जिन जिन पॉइंट को निकाला जाता है, कितना फिक्स पार्ट है, कितना कस्टमर पार्ट है, उसमें भी हम सेम करते हैं। उसमें पहला आईपी एड्रेस, पहला टेलीफोन नंबर जो एक्सचेंज आईडी के रूप में जाना जाता है, आईपी एड्रेस के अंदर हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी का सॉरी नेटवर्क आईडी के रूप में जानते हैं। इसको भी निकालने का सेम तरीका है, फिक्स पार्ट और कस्टमर वाला पार्ट। फिक्स पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कस्टमर पार्ट नेटवर्क के लिए ऑल बिट्स आर जीरो करेंगे, सोल्यूशन आपके सामने है। इसी तरह से ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए पहले 16 बिट फिक्स होंगे, रिमेनिंग जो भी बचते हैं उन सबके बिट्स वन किए जाते हैं और ऑल बिट्स आर वन, इसको सोल्यूशन निकालेंगे 255.255 आ जाएगा। रेंज की बात करें तो वन पहला देना नहीं, लास्ट एक पहले तक जाएगा, वो चीज हमने लिख दिया। और नंबर ऑफ आई पी रेंज या पुल की बात करें तो पुल की पावर जो 32 है उसमें से -16 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो फिक्स बिट है और कस्टमर का बिट है दोनों ही समान है, ठीक है ना। तो 32 में 16 कर देंगे और पहला और माइनस दोनों ला कर देंगे, -2 कर देंगे, तो ये हमारा नंबर ऑफ बिट होगा। अब हमारे पास जो बचता है सबनेट मास्क, इसके बारे में और लास्ट रहेगा वो क्लास ए बी सी डी के बारे में। कल भी आप लोग का आधा घंटा लगेगा, उसमें आपको पूरा आईपी एड्रेस समझ में आ जाएगा। और कल एक चीज हम और बताने की कोशिश करेंगे नए नेटवर्क का, फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल सेशन विल बी स्टार्ट। मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, कल का जो वीडियो था और आज का जो वीडियो है, कल का जो सेशन है, तीनों सेशन को ध्यान से सुनिए और देखिए, ताकि भविष्य में दोबारा आपको पढ़ने या किताब खोलने की जरूरत ना पड़े। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई सवाल है या क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लीजिए, तो सेशन को मैं ओवर कर रहा हूँ। माइंड में क्वेश्चन ठीक है, फिलहाल आप लोग ट्राई करिए। थैंक यू मैसेज के द्वारा, अगेन टुमारो आई थी, थैंक यू।